सफलता उन लोगों को मिलती है जो इसे खोजने में बहुत व्यस्त रहते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे मंथली परफॉर्मेंस के बारे में। इंटेलिसिस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट में क्या रिकॉर्ड किया था, कितना था प्लस कितना था माइनस, पूरा डिस्कस करते हैं एक बहुत छोटे से और एक बहुत शानदार से वीडियो में। इसके अलावा आप लोग अभी तक पब्लिक टेलीग्राम का पार्ट नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के साथ पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप में। अगर आप इंडेक्स में काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं तो उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करिए, उसका पार्ट बनिए। अगर आप MCX में काम करते हैं तो आप उस लिंक को क्लिक करिए और व्हाट्सएप के चैनल का पार्ट बनिए। एंड रीज़न बताता हूँ मैं आपको, दोनों में ऐड होने का रीज़न। अगर आप इक्विटी में काम करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि क्लोजिंग स्नैपशॉट चाहिए। इसके अलावा अगर आप MCX में काम करते हैं, आप चाहते हैं कि मार्केट बंद होने के पहले आधा घंटा पहले आपको क्लोजिंग स्नैपशॉट अगर आपको चाहिए कि दूसरे दिन मार्केट अप होगा डाउन होगा, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उस चैनल से मिलता है। तो इस वीडियो के साथ भी व्हाट्सएप के दोनों के लिंक डले हुए हैं, आप क्लिक करिए और उसका पार्ट बन जाइए। सो अक्टूबर में क्या हुआ था, ओवरऑल कैसा हमारा परफॉर्मेंस था, कितने कैपिटल से इंटेलिसिस ने अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाना चालू किया था, मंथली रिटर्न अक्टूबर में कितना था, इसके अलावा आज तक रिटर्न टिल डेट शुरुआत से लेकर आज तक कितना है, हमारी परफॉर्मेंस कितने में स्टैंड करती है, पूरा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर के तौर पर बोल दूँ कि ये पास्ट परफॉर्मेंस है, इससे फ्यूचर को ना प्रेडिक्ट हम कर सकते ना आप कर सकते। सो लेट मी ओपन माय स्क्रीन टू यू। सो आई एम श्योर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, 1471 डेज, यस 1471 डेज ये दिखाता है इंटेलिसिस का कमिटमेंट, इंटेलिसिस का हार्डवर्क, इंटेलिसिस का डेडिकेशन, इंटेलिसिस का सिंसेरिटी आप लोगों के लिए कि आप लोग इस मार्केट में पैसा बनाएं, लेवल्स को फॉलो करें और ट्रेंड को फॉलो करें। इंटेलिसिस जो भी वीडियो में बोलता है आप उसको फॉलो करें। सो अक्टूबर में क्या हुआ था, कितना प्लस था कितना माइनस था, इस शीट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रामबाण की और निफ्टी बैंक निफ्टी की करेंसी की, और उसके अलावा बात करूँगा रिटर्न टिल डेट शुरुआत से लेकर आज तक। एंड सक्सेस का फॉर्मूला में जो मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको सक्सेस पाना है तो रिस्क को प्रॉपर मैनेज करना होगा। सिस्टम इंटेलिसिस नाम का सिस्टम है जो आप लोगों को फॉलो करना होगा, अपने मनी को प्रॉपर मैनेज करना होगा, फंड प्रॉपर एलोकेट करना होगा। आई एम श्योर सक्सेस बहुत दूर नहीं होगी, सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलेगी, बट उसके लिए आपको भी पूरा सिस्टम फॉलो करना होगा और फॉलो वन और फॉलो नन की स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करना होगा। सो 22 अक्टूबर 2019 से इक्विटी में हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाना चालू की है। आप देखेंगे फंड एलोकेशन, पहले बता दूं जो हर बार हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि 8 लाख रुपीस इन्वेस्टेड वैल्यू था इक्विटी का, आप देखेंगे 17,83,105 रुपीस टोटल रिटर्न टिल डेट देखेंगे इक्विटी में, एंड मंथली आप देखेंगे 34,850 रुपीस। तो इक्विटी में आई एम श्योर एक दिन पहले आप वीडियो देखते होंगे, उसमें 4 रिकमेंडेशन दी जाती है, उसका पूरा डिटेल ये मैंने आपको बताया कि 34,850 रुपीस हमारी परफॉर्मेंस शीट प्लस में दिख रही है। देन सेकंड नंबर का आप कॉलम देखेंगे, इनफैक्ट थर्ड एंड फोर्थ MCX एंड व्हाट्सएप देखेंगे, 22 नवंबर 2019 से स्टार्ट हुआ, 1.5 लाख से स्टार्ट हुआ था। आज हमारी परफॉर्मेंस शीट शुरुआत से लेकर आज तक 7,10,297 में स्टैंड कर रही है। मंथली आप जीरो देखेंगे, वाई, बिकॉज यूट्यूब में व्यू दिए जाते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी कॉल नहीं दी जाती। देन फिफ्थ नंबर को जो कॉलम है इक्विटी एंड MCX रामबाण है, 1.5 लाख रुपीज़ से हमने स्टार्ट किया, आज आप देखेंगे क्लोज टू 46 लाख रुपीज़, एग्जैक्ट अमाउंट मैं बताऊं 45,59,681 रुपीज़ में स्टैंड कर रहा है। और आप मंथली प्रॉफिट देखेंगे रामबाण में अक्टूबर में 77,084 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया। इसका डिटेल देखना है कॉल ट्रैकर में क्लिक करिए, क्लिक करके देख सकते हैं डे बाय डे। देन करेंसी आप देखेंगे 21 अप्रैल 2020 से स्टार्ट किया हमने करेंसी, 1.5 लाख रुपीज़ की कैपिटल से स्टार्ट किया था, आज टोटल रिटर्न टिल डेट देखेंगे 2,53,641 रुपीज़ प्लस में दिख रहा है। आप मंथली देखेंगे अक्टूबर का 13,109 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया। देन इंडेक्स, यस कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडेक्स में फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं, आज हमने अपनी परफॉर्मेंस को जो स्टार्ट किया था शुरुआत में 1 लाख रुपीज़ से स्टार्ट किया था, आप देखेंगे इंडेक्स 8 जून 2020 से स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे 4,13,989 रुपीज़ हमारी परफॉर्मेंस शीट में इंडेक्स में प्लस में दिख रहा है। आप लास्ट मंथ का प्रॉफिट देखेंगे 10,837 रुपीज़ हमने प्लस में क्लोज किया है। इसको नंबर ऑफ डेज जो हो चुके हैं वो 1241 डेज हो चुके हैं।
उसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन का अलग से आप कॉलम देखेंगे, 50,000 की कैपिटल से स्टार्ट किए थे, टोटल रिटर्न टिल डेट आप देखेंगे 27,893 रुपीस, लास्ट मंथ आप प्रॉफिट देखेंगे 5,262 रुपीस। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, 12.5 लाख रुपीस से हमने अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाना चालू किए थे, उसका पूरा डिटेल ये दिया हुआ है। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर 8 लाख रुपीस, M6 एंड व्हाट्सअप 1.5 लाख रुपीस, इक्विटी एंड M6 1.5 लाख रुपीस, करेंसी 1.5 लाख रुपीस, इंडेक्स कॉल 1 लाख रुपीस, और ऑप्शंस के जो भी कॉल निकलते थे उसके लिए जो हमने फंड एलोकेट किया था वो 50,000 था। तो टोटल आप डिटेल देखेंगे 12.5 लाख रुपीस, एंड बताकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो 12.5 लाख रुपीस का जो इन्वेस्टेड वैल्यू था, आज टोटल रिटर्न टिल डेट 2019 यस 22 अक्टूबर 2019 से 1471 डेज में 77,48,807 रुपीस में स्टैंड कर रहा है। मंथली प्रॉफिट आप देखेंगे इसका 1,41,142 रुपीस प्लस में दिख रहा है। इसका पूरा डिटेल देखना है, कॉल ट्रैकर में क्लिक करिए, डिटेल देख लीजिए और आप भी अपनी परफॉर्मेंस शीट बनाइए। अगले महीने फिर से आऊँगा, नवंबर के बारे में डिस्कशन करूँगा, एंड भगवान से यही प्रे करता हूँ कि नवंबर इंटेलिसिस की कॉल ट्रैकर, इंटेलिसिस की परफॉर्मेंस शीट के लिए और आप लोगों की परफॉर्मेंस शीट के लिए बहुत अच्छा जाए। एडवांस में हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, हैव ए गुड मंथ, एंड बाय बाय, टेक केयर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी इन नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ अस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स।